ये कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, और इस कार को अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे मैंने इस कार को स्टार्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने माल फंक्शन लाइट इसका ऑन है, यानी कि चेक इंजन लाइट। और नीचे अगर मैं यहाँ पर एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर पूरा फुली प्रेस किया हुआ है, मैट से बिल्कुल टच हो चुका है इसका एक्सीलेटर पैटर्न। बट जो RPM है वो 3000 RPM से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ओके, लास्ट मैक्सिमम 3500 RPM जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी फोल्ड कोड है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस कार में जो इंजन है बेसिकली वो है के सीरीज, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसमें के सीरीज इंजन। और रीड फोल्ड कोड, तो जो फोल्ड कोड है पेडल पोजीशन सेंसर सब कॉइल वोल्टेज इनपुट लो, यानी कि इस फोल्ड कोड और फोल्ड कोड जो DTC नंबर है वो है P2127, ये DTC है इस कार के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखेंगे किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें इसका रिप्लेस करके देखेंगे इसका एक्सीलेटर पैडल, क्योंकि इस कार में जो एक्सीलेटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक है। बेसिकली इस कार का जो एक्सीलेटर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है, इसमें कैसा भी कोई वायर वगैरह नहीं होता है इसके एक्सीलेटर पैडल में। जो नॉर्मली जो पहले पुरानी कार जो आती थी उनमें एक वायर होता था, इसमें लेकिन कोई वायर नहीं है इसमें। अभी हमने इस जगह पर ये दूसरा पेडल सेंसर इसमें लगाया हुआ है, यानी कि हमने नया पेडल इसमें लगाया हुआ है, और इसके ऊपर हमने ये इसका जो वायरिंग सॉकेट था इसको इस जगह पर लगा दिया है। ओके, और जो पुराना वाला एक्सीलेटर पेडल था उसका कनेक्शन हमने हटाया हुआ है। तो इसको बेसिकली अभी हमने इसके जो बॉडी है उसके ऊपर फिटिंग नहीं किया है, लेकिन इसको लगा करके इस तरीके से अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सीलेटर कर रही है कार, ये देखिए, लेकिन इसमें जो वाल फंक्शन लाइट है यानी कि इसकी चेक लाइट है वो अभी ऑन है। तो आप यहाँ से ये फोल्ड कोड इसके चेक कर सकते हैं। तो सेम प्रॉब्लम है अभी। ओके, पेडल पोजीशन सेंसर की, तो अभी मैं इसे क्लियर DTC करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्लियर भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ से इसको क्लियर करूँगा, RPM फ्लैक्चुएट होते हैं लेकिन ये क्लियर नहीं होता है, सेम प्रॉब्लम है अभी भी। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब हम सेकेंड इसमें खोलने वाले हैं इसकी, पहले सबसे पहले इसकी वायरिंग हम चेक करेंगे। ओके, और वायरिंग चेक करने के बाद हम इसमें खोलेंगे फिर इसका लास्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि इसका इंजन ECU इस जगह लगा हुआ है। तो बेसिकली अभी हमने इसका एक्सीलेटर पेडल चेक कर लिया है, और अभी हम इसकी वायरिंग हार्नेस चेक करेंगे, और वायरिंग हार्नेस चेक करने के बाद हम लास्ट में इसका खोलेंगे ये इसका इस जगह पर फिटिंग है इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो केस सीरीज जो प्रॉब्लम आती है एक्सीलेटर से रिलेटेड वो आती है इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, यानी कि इसके इस ECU में। ओके, तो इस पार्ट को हम खोलेंगे। तो पहले हम इसकी वायरिंग को चेक करते हैं, और वायरिंग चेक करने के बाद हम चेक करेंगे इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार की जो मेनली वायरिंग थी वो हमने प्रॉपर तरीके से चेक कर ली थी। तो ये है इस कार का इंजन कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसका ECM। तो इसमें ही मेनली जो प्रॉब्लम है कार में, जो एक्सीलेटर नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम है इस कार के पार्ट के अंदर। तो अभी हमें इस पार्ट को लेके आए हुए हैं, तो हमारे तो ये है विकास भाई का ऑफिस। तो अभी हम आए हुए हैं विकास भाई के ऑफिस में इस कार के पार्ट को रिपेयर कराने के लिए, और इस पार्ट को अच्छे से चेक करेंगे विकास भाई। तो इस समय विकास भाई हैं अपने ऑफिस में, ये आप देख सकते हैं साइड में कितने सारे इनके जो ECM हैं वो लगे हुए हैं, और साइड में यहाँ पर ये इनके कुछ टूल्स वगैरह हैं। तो विकास भाई का स्पेशली जो काम है ये आप देख सकते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट और पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, ABS, SRS, एयरबैग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इन सभी को रिपेयर एंड रिप्लेस करने का काम होता है। इनकी जो भी प्रोग्रामिंग होती है या उनको जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह होते हैं, ये सारे काम विकास भाई करते हैं, और इनके पास काफ़ी दूर दूर से काम आता है। बेसिकली अपने UP से तो है ही, UP जितना बड़ा है UP में तो सभी जगह से है ही, लेकिन MP, राजस्थान, गुड़गांव वगैरह, हरियाणा, इन सभी जगह से इनके पास काम में आता है। ओके, और स्पेशली ये ECM के तो बहुत कर रहे मास्टर हैं, जितनी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम है। और मैंने इनको जो प्रॉब्लम थी इस कार की, जो फोल्ड कोड था वो मैं ऑलरेडी पहले ही इन्हें बता चुका हूँ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं, सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, जो कि हम सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन नहीं दिखा सकते हैं ये किस तरीके से रिपेयर होता है। तो अभी हम बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि ये रिपेयर हो रहा है। ओके, लेकिन हम आपको इसमें ये नहीं शो कर सकते, ये हमारी कुछ YouTube की कुछ पॉलिसी हैं जो हम आपको नहीं शो कर सकते हैं। ओके, तो ये है इस कार का ECU, जो कि इस कार में प्रॉब्लम है एक्सीलेटर पेडल की, एक्सीलेटर पेडल का जो कोड आ रहा है। और ये देखिए कितने सारे विकास भाई के हैं ये ECU वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, जो कि रिपेयरिंग के लिए दूर दूर से आते हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई पैकिंग किया हुआ रखा हुआ है, कोई खुला हुआ रखा है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल है,
ये VCM के कुछ बॉडी कवर, ये महिंद्रा गाड़ियों के XUV वगैरह, और ये आप नीचे भी देख सकते हैं काफ़ी सारे इश्यू वगैरह हैं जो कि रिपेयरिंग के लिए लगे हुए हैं। ओके, और इस साइड आप देख सकते हैं ये पावर स्टेयरिंग मॉड्यूल जो होते हैं हुंडई कार में, बेसिकली मारुति कार में जो कि प्रॉब्लम करते हैं पावर स्टेयरिंग हार्ट की जो प्रॉब्लम आती है, ये सभी कंपोनेंट इनके पास रखे हुए हैं। और स्पेशल टूल है इनके पास, ये स्पेशली आप देख सकते हैं मैग्नीफायर ग्लास वगैरह। ओके, और ये देखिए ये इन्होंने अभी इसका जो मदरबोर्ड है यानी कि इसका ये कंट्रोल यूनिट है पूरा, इसमें ये इस तरीके की इसकी में ये IC वगैरह इसमें लगी हुई है। अब ये विकास भाई इसमें ट्रेस करेंगे किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम जो है वो मैं आप विकास भाई को बता चुका हूँ, उसमें एक्सीलेटर ना लेने की प्रॉब्लम है। मैक्सिमम जो इसके RPM है वो 3000 3500 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी विकास भाई इसमें चेक करेंगे और फिर रिपेयर करने के बाद हम आपको गाड़ी में लगा के चेक कराएंगे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं। ओके, तो ये सेम ECM अभी हम देखते हैं इसको रिपेयर हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो उसके साथ साथ फिर हमें इसमें की प्रोग्रामिंग भी करनी होती है, तो अभी इसको रिपेयर करने के बाद हम चेक करेंगे कार में लगा करके। तो करने देते हैं विकास भाई को CCM को रिपेयर। तो यहाँ पर जो ECU है वो विकास भाई ने इसको रिपेयर कर दिया है और अभी हम इसको फिटिंग करेंगे कार में। तो ये इस तरीके से फिटिंग करना होता है। ओके, तो बाकी का ये नॉमिनल फिटिंग होती है, जो भी इसके स्क्रू वगैरह हैं वो फिटिंग करने होते हैं। और अभी इसमें विकास भाई कैसी भी कोई प्रोग्रामिंग वगैरह है कोई कोडिंग कुछ नहीं। तो इसमें अभी जो प्रेजेंट में ये रिपेयरिंग हुई है वो ओनली एक्सीलेटर पैडल की हुई, इसमें हमें कोई की प्रोग्रामिंग या कैसी भी कोई कोडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले करना है और कार को डायग्नोस करके टेस्ट करना है। तो अगर आपको भी आपकी गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें टेक्नीशियन या मैकेनिक बोलते हैं या कंपनी ऑथराइज सर्विस सेंटर कहती है कि इसका आपको ये जो मतलब ECM है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप मैं विकास भाई का नंबर और उनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इनको कॉल करके इनके पास विजिट कर सकते हैं या अपना ECM आप इनको भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। मैं श्योरिटी देता हूँ उस चीज़ की कि आपका ECM रिपेयर होके ही जाएगा आपको, क्योंकि ये कुछ जो पार्ट होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। ECM एक ECM 1-1 लाख रुपये का भी होता है, तो वो सारे ECM विकास भाई रिपेयर करते हैं। और ज़्यादातर जो ECM पानी के केस वाले भी होते हैं वो विकास भाई भी वो भी रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हम इस ECM को फिटिंग करेंगे कार के अंदर। तो करते हैं इस ECM को फिटिंग कार के अंदर अपने वर्कशॉप पे चल के, तो मिलते हैं इसको फिटिंग करने के बाद। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने जो मेन प्रॉब्लम निकली थी वो निकली थी इसके ECM के अंदर, वो उसको हमने अभी रिपेयरिंग करके इसमें फिटिंग कर दिया है और कार का जो इंजन है वो स्टार्ट है। और अभी हम आपको इसका जो DTC था वो एक बार स्कैन करके चेक करा रहे हैं। तो रीड फॉरवर्ड कोड जो DTC है आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री में जा चुका है, पहले ये करंट DTC था। ओके, और अभी हम इसको बैक करेंगे और ये क्लियर फॉरवर्ड कोड, तो ये माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप है वो ऑफ हो चुकी है। और दोबारा से हम आपको एक बार और रीड फॉरवर्ड कोड चेक करा देते हैं, नो फॉरवर्ड कोड। तो यहाँ पर जो इसमें प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं ये नो फॉल्ट कोड है, नो ट्रबल कोड। और जो चेक लाइट थी वो भी ऑफ हो चुकी है। तो इसमें जो मेनली प्रॉब्लम थी वो थी इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि इसके ECM की, जो कि अभी हमने रिपेयर कराया है ये विकास भाई से। विकास भाई बैठे हुए हैं और इस कार को डायग्नोस कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लगाते हैं इस कार का ये बोनट और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके चेक कराने वाला हूँ उस कार के जो RPM में प्रॉब्लम थी पहले 3500 RPM से ऊपर नहीं जा रहे थे। तो मालफंक्शन इंडिकेटर लैम्प जो था वो ऑफ हो चुका है, कार को न्यूट्रल किया और अभी मैं एक्सीलेटर प्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप RPM की साइड देख सकते हैं 5000 RPM जा रहे हैं प्रॉपर पूरी। ओके, आप कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके RPM में और ना ही कोई चेक लाइट या कोई वार्निंग लाइट नहीं है। तो इस कार में जो मेनली प्रॉब्लम थी ना ही किसी एक्सीलेटर पेडल की थी और ना ही वायरिंग की, तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में और वो प्रॉब्लम हमने इसमें सॉर्ट आउट कर दी है। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।